आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद पप्पू यादव ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पप्पू यादव ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी की है। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने एक ट्वीट में कहा था कि कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव की ओर से 2% का कहना उसके गुर्गों को नाराज कर गया। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने इसे लेकर एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी कॉल आ ही गया। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। पप्पू यादव ने कहा, बाबा सिद्दीकी हो या करणी सेना के अध्यक्ष हो, दोनों में किसी की भी हत्या वसूली और अपनी ताकत दिखाने के लिए गलत है। सरकार से आग्रह है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा ना मिले। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि गलत लोगों को प्रोटेक्शन ना मिले। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में उन्होंने इस ग्रोह पर सवाल जरूर उठाए हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा, बाबा सिद्दीकी को जिसने भी मरवाया है यह कानून का मुद्दा है, एसआईटी इसे देखे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुंबई में बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार बिश्नोई को प्रोटेक्शन दे रही है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि गलत लोगों को प्रोटेक्शन मत दीजिए। जब आपके पास ताकत है, बाहर बुलडोजर चलाकर सब खत्म करने की ताकत है, तो आप इसको क्यों नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी ओर वह लगातार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा कि ये कौन प्राणी है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, जेल से कैसे सब ऑपरेट हो रहा है। इस पर पप्पू यादव ने कहा, मुझे नहीं पता ये कौन प्राणी है, दुनिया में कैसे क्या हो रहा है ये तो सरकार ना समझेगी। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो। पप्पू यादव सिरदर्दी है उनके लिए। मैं सरकार से भीख नहीं मांगूंगा, बस कानून के तहत केंद्र सरकार को बताना चाहता था कि ऐसी ऐसी जान से मारने की धमकी वाले कॉल के बारे में घटना है, देख लीजिए।